Good morning, students. There are a certain important announcement to be made today. First, some of the students are having doubt के law की पढ़ाई आपको किस तरीके से करना है. तो law के लिए मैं आप लोगों को इस तरीके से guide करूंगा कि आप जो मॉड्यूल जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए डिटेल नोट्स टुगेदर विद द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन टू ऑल ऑफ यू आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दोज नोट्स थरली. और अगर आपको लगता है कि कहीं पे मॉड्यूल रिफर करने की जरूरत है तो आप मॉड्यूल रिफर कर सकते हैं. लेकिन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू जस्ट गो थ्रू द एंटायर नोट्स टुगेदर विद द केस लॉज एंड एग्जाम्पल्स सेक्शंस थरली. Try to understand and clear the all your doubts. Understand the concept properly. Or as and when you complete unit 1, just go through the question and answers part. Don't go through the entire chapter and then refer question and answer. Unit wise you have to refer the question and answers. Refer unit 1, read the entire concept sections, examples, case laws, understand those entire things thoroughly and then refer question and answers. Try to read those question and answers, no need to mug up, just read those question and answers and see to it ke wo question and answers ko aap kis tarike se, you have to write down the answers and see to it ke wo answers jo maine answers diye usse kahan tak resembles karte. तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको पहले मेरे नोट्स रिफर करने हैं, उस नोट्स को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट्स केस लॉस को अंडरस्टैंड करना है. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए, आई एम गोइंग टू क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स एंड देन रिफर क्वेश्चन एंड आंसर्स. राइट डाउन द आंसर एंड सी टू इट कि आपके आंसर्स मेरे आंसर्स से कहां तक रिजेंबल करते हैं. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद एंटायर बिजनेस लॉ. लेकिन एक चीज याद रखना है कि मगअप नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है. जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आता है आप वो डाउट मेरे से क्लियर करवाइए व्हाट्सएप पे, और यू कैन कम टू माय ऑफिस या फिर आप मुझे कॉल करिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज एज रिगार्ड्स टू कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग डाउट दैट वेदर द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड और नॉट. डेफिनेटली आपसे ज्यादा हम लोगों को चिंता है क्योंकि हमारा गुडविल स्टेट पे, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम. ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव डिसाइडेड टू रीशफल सर्टेन चैप्टर्स बिटवीन फोर ऑफ अस. तो इस वजह से कंपनीज एक्ट 2013 जो बिजनेस लॉ का पार्ट है, वी हैव डिसाइडेड दैट इट विल बी टेकन बाय पदम सर. व्हाई पदम सर? बिकॉज पदम सर also take corporate law in CA inter. Secondly, accounts ke kuch chapters we have decided to reshuffle between four of us. Usme se partnership accounts will be taken by Padam sir. Not for profit organization will be taken by me, and if time permits I am also going to take the final account. This is how we have tried to reshuffle certain chapters between four of us so that syllabus can be completed in time. So I request all the students not to get panic. Don't create chaos and confusion among yourself. We are committed for our duties and we are diligently performing all our duties and we will try to complete the syllabus on time. This is only because there is a pandemic and it is a new experience for all of us. This is online recording we are doing. Each and every hour lecture requires 4 hours. एक घंटे का अगर लेक्चर है उसको 4 घंटे लगते हैं. एडिटिंग करना है, उसको प्रोसेस करना है और उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करना है. That's the only reason that it is very time consuming process. और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेंडेमिक इतना लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा. दैट्स द ओनली रीजन ये पर्टिकुलर सिचुएशन में वी हैव कम. बट आई एश्योर ऑल ऑफ यू दैट के वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम. बाय. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स.
Today I'm going to start with a new chapter in accounts, that is accounting for not-for-profit organization. As the name implies, not-for-profit organization, वो organization होती है जिसका profit motive objective नहीं है, जैसे कि public hospitals, public schools, clubs. ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है. इट मे बी सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव और एनी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जनरली उनका अकाउंटिंग पैटर्न जो होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देर आर फोर डिफरेंट अकाउंट्स जिसके ऊपर आपका स्ट्रेस देना जरूरी है. फर्स्ट इज देयर इज अ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. देयर इज अ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. नाउ what is a receipts and payment account is nothing but a cash book summary. Second important thing is financial statement mein second thing kya prepare karna hai aapko, income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप कंसर्न. दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो फाइनल अकाउंट में 11-12 में विच यू हैव रेफर्ड, वही पैटर्न पे यहां आप प्रिपेयर करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. Debit all expenses, credit all income. So that is income and expenditure account. Third one is balance sheet. That is also called as a closing balance sheet. Which we generally prepare at the end of the year. यहाँ पे भी आपको closing balance sheet बनाना है, liabilities and assets. One more account is there that is called as a opening balance sheet. Opening balance sheet, or you can call it as a closing balance sheet of last year. This is a closing balance sheet of current year. This is closing balance sheet of last year. Or you can call it as a opening balance sheet. Now these are the four different accounts which either we have to prepare on the basis of the trial balance they have given and other informations which they have given. Or otherwise they will give you the receipts and payment account and they will ask you to prepare the income and expenditure account and the balance sheet. Now why there is a need to prepare the closing balance sheet of last year or opening balance sheet of current year is, basically when you prepare a final account of a sole proprietor, there is a opening capital which is generally given in a trial balance. Or in the case of a partnership concern also, there is an opening capital of partners they have given, and there are certain adjustment in a trial balance or in adjustment column they are giving. जो आप आपके opening capital को adjustment आप करते हो, less drawings, then you find out the profit, add profit and so on which you are doing. यहाँ पे opening capital in most of the cases will not be given. तो for ascertaining that opening capital, आप लोगों को prepare करना है opening balance sheet. Opening balance sheet means
क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो एसेट एंड लाइबिलिटीज को आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर में लेना है. ऑन द एसेट साइड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स, लाइबिलिटी साइड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द लाइबिलिटीज एज ऑन 1st January और 1st April, डिपेंडिंग अपॉन द आपके बुक्स को कब क्लोज कर रहे हो. और एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज अ ओपनिंग कैपिटल, एंड दैट ओपनिंग कैपिटल विल बी यूज इन द करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट. Sometimes they will directly give you the opening capital, then in that case no need to prepare the opening balance sheet. अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको opening balance sheet पहले बनाना पड़ेगा, depending upon के वो उन्होंने information आपको कितनी दी है. और जो भी difference आएगा asset minus liabilities का, that will be called as an opening capital, and that opening capital will be taken as in closing balance sheet. So that's the reason you have to prepare the opening balance sheet. So these are the four accounts which are generally prepared by the not-for-profit organization. So सबसे पहले आते हैं कि not-for-profit organization क्या होता है. Not-for-profit organization वो होता है जिसका profit motive objective नहीं, but still they are going to make slight profit. That is generally called as a excess of income over expenditure if there is a profit. And if there is a loss, we generally call it as a net loss. In this case, it will be called as an excess of expenditure over income. That surplus or deficit. Surplus agar income zyada hai, expenditure se. Deficit agar expenditure zyada hai, income se. So that will be find out from income and expenditure. Generally, profit and loss account mein se you find out net profit, net loss. We don't call it as here net profit or net loss, because here profit is not a motive. Chapter implies that, name of the chapter itself implies that it is for not for profit organization. तो यहाँ पे आप उसको या तो surplus बोलते हो या deficit बोलते हो. तो ये चार account पे आपको stress देना है. पहला है आपका receipts and payment. Receipts and payment is nothing but समरी ऑफ कैश बुक. रिसीप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक. रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड यू विल रिकॉर्ड ऑल द रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऑल द पेमेंट्स, वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रिसीप्ट साइड में फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैंने आप लोगों को बोला रिसीप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट अ कैश बुक. तो रिसीप्ट में सबसे पहला आइटम विल बी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक. वील टेक द एग्जांपल दैट ईयर इज गेटिंग स्टार्ट ऑन 1st April 2019 टू 31st March 2020. ये ईयर लेके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. तो रिसिप्शन साइड में रिसिप्ट साइड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस. दैट इज बैलेंस एज ऑन 1st April 2019. You have an opening cash, opening bank. Then you have all the revenue receipts. Jitne bhi aapke revenue receipts hai. Generally revenue receipt will be in the form of, agar club hai to there will be a member subscription. There will be a member subscription. There will be anything like, अगर आपने कोई चीज रेंट पे दी है तो there will be a rent receipt.
there will be a rent received. Then there will be certain kind of an entrance fees that will be received from members. New member agar hai to aap unse entrance fees receive karo. Then there is a possibility of that you are going to receive a membership fees apart from, you can also call it as a member subscription or you can call it as a membership fees. This is what you are going to receive from members. There is a certain possibility that you are going to receive a donation for normal purpose. Donation you are going to receive. There is every possibility that a donation can be a revenue donation or a capital donation. If capital donation, yani agar aapko koi building fund wagera mila hai, so that will go in a balance sheet. और अगर आपको कोई रेवेन्यू डोनेशन है, कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कोई डोनेट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, किसी को मदद करने के लिए कोई आपको डोनेशन दे रहा है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डोनेशन. जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं तो वहां पे आपको नॉर्मल डोनेशन मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सर्टेन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप. तो दिस डोनेशन कैन बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डोनेशन. So this is what you are going to receive. All the receipts will be recorded on the receipt side. Apart from that, there will be a capital receipt. Capital receipts mein you may have certain capital donation or there may be purchase of fixed assets. So these are all the things that will be coming under the receipt side. Similarly, payment side, whatever payment you are going to make, it can be a revenue payment or a revenue expenditure. Such as salary you are going to pay to the staff. Staff salary is a revenue expenditure. Then there may be an office expenses. Aap administrative office carry on kar rahe ho to look after all the things of agar club hai to club ki administrative work jo carry on karna hai uske liye office se office expenses. Then n number of general expenses. अगर ऑफिस रेंट पे लिया है आपने तो रेंट ऑफ द ऑफिस आप पे करोगे. तो दीज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हियर कैपिटल रिसीव में इंस्टेड ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इट विल बी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. यहां पे बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर here it will be purchase of fixed asset. कोई asset अगर आपने purchase किया उसका अगर आप payment दे रहे हो तो there will be a purchase of fixed asset payment. Then apart from this revenue and capital income and expenditure there is every possibility के अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ क्लब, क्लब को चलाने के लिए जनरली कुछ मीटिंग्स होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी इन द फॉर्म ऑफ आपने फूड स्टफ कोई परचेज किया है तो दैट परचेज ऑफ फूड स्टफ विल बी कमिंग ओवर हियर. अगर पब्लिक हॉस्पिटल से तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी के आप मेडिकल मेडिसिन जो है वो परचेज करोगे और उसको कम से कम भाव में यू विल सेल इट टू द नीडी पीपल. उस पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है और आप उसको कम से कम रेट में 10 रुपीज का टैबलेट यू सेल इट फॉर रुपी वन
So there may be possibility that there may be purchase and sale of certain items. So if there is a sale of items, it will be taken over here to sale of medicines, for example, and here purchase of medicine. So all these items will come on the expenditure side, and in the last you will have by closing balance. किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस? अगेन कैश का और बैंक का. एज ऑन 31st March 2020. तो इट इज अ रिसिप्शन पेमेंट, इज नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक. तो ऑल द ट्रांजेक्शन इन कंसोलिडेशन, जैसे कि एग्जाम्पल मेंबर सब्सक्रिप्शन विच यू हैव रिसीव्ड थ्रू आउट द ईयर, जितने भी मेंबर्स फीस, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन विच यू हैव रिसीव्ड विल बी इन टोटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीप्ट साइड. देयर विल नॉट बी अ डेट कॉलम, ओनली पर्टिकुलर कॉलम एंड अमाउंट कॉलम यू विल हैव. और कंसोलिडेटेड आप जो भी अमाउंट आप थ्रू आउट द ईयर रिसीव करोगे या पे करोगे, दैट विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. यू हैव एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. You will have all the revenue received, capital received made during the current year. In order to run the organization, there is every possibility that there may be purchase and a sale of certain foodstuff or medicines as required by that particular organization. So if there is a sale of those items, it will be recorded on the receipt side of sale made throughout the year. And similarly, if there are certain purchase of any item for running the organization, to that purchase will be recorded on the payment side. Similarly, on the payment side, you will have all the revenue expenditure. I hope you are aware with what is the revenue expenditure and what is the capital expenditure. Revenue expenditure are of recurring nature, day-to-day transactions mein jo hota hai. Capital expenditure are non-recurring nature, such as purchase of fixed assets. तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे. अगर कोई फूड आइटम्स या मेडिसिन आपने परचेज किया है, देन इट विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर, एंड इन द एंड यू विल हैव अ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. तो दिस इज हाउ व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. जनरली दे विल गिव यू द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. And on the basis of those receipts and payment account, they will ask you to prepare the income and expenditure account and a closing balance sheet. If they don't give you the opening capital, you will also be required to prepare the opening balance sheet. मैंने आप लोगों को पहले बताया कि opening balance sheet आप क्यों बनाएंगे, in order to ascertain the opening capital balance. So this is how you are going to prepare a receipts and payment. Just write down this. I'll give you a minute. Just write down this.
Well, study about income and expenditure account. Income and expenditure account is similar to profit and loss account of proprietor or a partnership. We just will study about what is an income and expenditure account. Now again, income and expenditure account, you have particulars and amount column. I am not writing amount column. Just we'll see to it kun kun se items will be covered under the income and expenditure. Under income and expenditure, again you have debit, credit. Based on nominal account principle, debit all expenses and credit all income. So here on debit side you have to record expenditure, that is expenses, and here you have to record all the incomes. Expenses, that is receipts and payments mein jo bhi payments hai, that will be covered under expenses. There is every possibility that there may be certain outstanding expenses, prepaid expenses of previous year and current year. Similarly, there may be certain income receivable or income received in advance of the last year and current year. So all those has to be properly taken care under the income and expenditure account. Or after completing this, ये चार चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का इसका एडजस्टमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से करना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस एंड इनकम रिसीवेबल, ये चार आइटम्स जो करंट ईयर के हैं, तो हाउ इट शुड बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर. And it belongs to last year, how it should be given effect in the current year, that we are going to see. Expenses mein all the revenue expenses we are going to record. Capital expenses or capital receipt will not be recorded under the income and expenses, similar to normal organization jahan pe aap profit and loss account mein revenue expenditure or revenue income aap record karte ho. To yahan pe bhi aap सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंडली, एक्रुअल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम पे यू गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. रिसीप्स एंड पेमेंट्स में इट इज अ कैश बुक, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस एंड रिसीप्स दैट हैज बीन डन अंडर थ्रू कैश और अदरवाइज थ्रू चेक जो करंट ईयर में हो रहा है. वहां पे ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट, वहां पे जो करंट ईयर के अंदर जो भी आपको पैसा मिला है या फिर जो भी आपने पेमेंट किया है ड्यूरिंग द करंट ईयर आइदर इन कैश और चेक, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन रिसीप्स एंड पेमेंट. तो रिसीप्स एंड पेमेंट में आपको वो कैश सिस्टम पे चलेगा. रिसीप्स एंड पेमेंट, कैश सिस्टम इन द सेंस, रिसीप्स एंड पेमेंट में आप वो सब आइटम्स रिकॉर्ड करोगे जो आपने ड्यूरिंग द करंट ईयर या तो पे किया है या आपको रिसीव हुआ है आइदर इन कैश और थ्रू चेक. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम, एक्रुअल प्रिंसिपल. दैट मींस हियर यू गोइंग टू टेक ओनली दोस पर्टिकुलर आइटम्स दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. रिसीप्स एंड पेमेंट में आपको जो भी करंट ईयर के अंदर कैश में रिसीव हुआ है या कैश में आपने पेमेंट किया है वो कोई भी ईयर का हो वो रिसीप्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करें. जैसे कि रिसीप्स एंड पेमेंट के अंदर कोई मेंबर ने मेंबरशिप फीस पे की ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर की भी मेंबरशिप फीस पे कर दी और नेक्स्ट ईयर की भी एडवांस में आपको फीस पे कर दी, दैट मीन्स 1920 का भी सब्सक्रिप्शन फी उसने करंट ईयर में आपको दिया और 2021 का भी एडवांस में 1920 में ही दे दिया. तो रिसीप्स एंड पेमेंट्स में दिस इज कैश सिस्टम.
यहां पे आप रिकॉर्ड करोगे टू मेंबरशिप फीस, रिसीव 2019-20, 2020-21. There are certain members who have paid the fees only of the current year. That means those members are regularly paying the fees. So some of the members have paid the fees or total fees जो है वो 2 लाख रुपए receive हुई है. कुछ members ऐसे जिन्होंने 2021 का भी एडवांस में पे कर दिया 40,000, तो दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड अंडर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट. देयर आर सर्टेन मेंबर्स जिसने पिछले साल का फीस पिछले साल पे नहीं किया, उन्होंने वो वाली 18-19 की फीस आपको 19-20 में पे की, तो 19-20 के अंदर आपको वो अमाउंट मिला, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड. कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर पेमेंट नहीं दिया था, लास्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग था, उनके बिहाफ पे अपने को रिसीवेबल था, तो उन्होंने लास्ट ईयर का फीस आपको करंट ईयर में पे किया है एंड वी आर प्रिपेयरिंग दिस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट फॉर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20. तो इस करंट ईयर में आपको मेंबरशिप फीस रिसीव हुई कुछ 18-19 की, कुछ 19-20 की और कुछ 2021 की. तो ऑल दोज अमाउंट वॉट एवर यू हैव रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर इररिलेवेंट ऑफ विच ईयर इट विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर अंडर रिसीव बिकॉज यू आर फॉलोइंग इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इट इज अ कैश बुक. जो भी कैश में आपको मिला है या कैश में आपने पेमेंट किया है कैश में या फिर चेक से, तो वो सब चीजें आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करना है. कौन से ईयर का था वो इमटेरियल, आपको रिसीव हुआ है या फिर आपने करंट ईयर में पेमेंट दिया है वो आपको रिकॉर्ड करना है. सिमिलरली आपने सैलरी पे की स्टाफ को, ₹1,50,000. कुछ स्टाफ ऐसा है जिसने आपसे एडवांस मांगा और आपने वो स्टाफ को 1920 का भी सैलरी कुछ एडवांस में, सॉरी 2021 का सैलरी 1920 में पे कर दिया. ₹10,000. यू हैव मेड अ पेमेंट इन कैश और बाय चेक इन 1920. जो भी आपने पेमेंट दिया है वो आपको रिकॉर्ड. कुछ बंदे ऐसे हैं जिसको आपने पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग रखा था, उसको पे नहीं किया था, तो वो 18-19 का भी सैलरी आप 1920 में पे कर रहे, तो दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड. 5,000. तो ये आपने करंट ईयर 1920 में जो भी पेमेंट दिया है, वेदर इट इज ऑफ 1819, वेदर इट इज ऑफ 1920, वेदर इट इज ऑफ 2021, पिछले साल का सैलरी करंट में पे किया, पेमेंट में रिकॉर्ड होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर. करंट ईयर का सैलरी करंट ईयर में पे किया 1,50,000, टोटल सैलरी है करंट ईयर की 1,58,000, बट यू हैव पेड ओनली 1,50,000, तो दैट ओनली 150 विल बी रिकॉर्डेड. और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे है जिसने आपसे एडवांस दिया, वो अमाउंट आपने 1920 में पे की, वो अमाउंट भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे. तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट वर्क्स ऑन द कैश प्रिंसिपल. वॉट एवर अमाउंट रिसीव इन कैश रिकॉर्ड इट, वॉट एवर अमाउंट पेड इन कैश रिकॉर्ड इट, कैश और बाय थ्रू बैंक चेक, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड अंडर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज वर्क ऑन एक्रुअल प्रिंसिपल. Accrual principle in the sense, it will always work on mercantile basis. Mercantile system क्या होता है कि जो current year का है वही आप record करो, जो पिछले साल का है उसको income and expenditure में record मत करो, और जो next year का आपने current year में pay कर दिया है या फिर आपको next year का current year में receive हुआ है उसको भी record मत करो.
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वी विल रिकॉर्ड ओनली दोस पर्टिकुलर आइटम दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. ऑन द एक्सपेंसेस साइड यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेवेन्यू आइटम्स सच एज रेंट पेड सैलरी पेड These are the different items. इसके अलावा there may be a general expenses. There may be office expenses. Then there will be a telephone expenses. Then there will be rent and taxes, etc. All the revenue expenses will be recorded on the expenses side. Income side, you have to record all the revenue items, revenue income, जैसे कि PAR, revenue incomes, such as membership. Fees, revenue donations, subscription fees, if you have made certain investment and from those investment you are receiving certain interest on investment. Or you can call it as securities. So all these items will be recorded on the income side. Now one thing you have to take care of, you have to record here only those particular items which belongs to the current year. जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ membership fees 2 lakh. कुछ members ने आपको advance में 40,000 rupees दे दिया. कुछ मेंबर्स ने पिछले साल आपको फीस नहीं पे की थी, उन्होंने करंट ईयर में पे की जो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दी बिकॉज इट हैज बीन रिसीव्ड इन द करंट ईयर. बट देयर मे बी सर्टेन पॉसिबिलिटी दैट कि करंट ईयर में भी कुछ मेंबर्स ऐसे जिसने एडवांस पे कर दिया और कुछ मेंबर्स ऐसे जिसने अभी पे नहीं किए वो नेक्स्ट ईयर पे करने वाले. फॉर एग्जाम्पल देर आर 210 मेंबर्स एंड पर मेंबर देयर इज अ फीस ऑफ ₹1000. 210 members you have. 210 members you have, and per member there is a fees of ₹1000. So what is the total amount which you are supposed to collect is 2,10,000. 2,10,000 rupees आपको receive करना है from members every year. यानी करंट ईयर में 2019-20 आल्सो यू आर सपोज्ड टू रिसीव 2,10,000 एज अ सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम मेंबर्स बट यू हैव रिसीव ओनली 2 lakh. दैट मींस 10,000 इज आउटस्टैंडिंग. दो द टोटल अमाउंट ऑफ फीस विच हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 2,50,000 बट आउट ऑफ दोज 2,50,000 10,000 बिलोंग्स टू 2018-19 एंड 40,000 बिलोंग्स टू 2020-21. दैट मीन्स 2,10,000 रुपए में से आपको करंट ईयर में सिर्फ 2 lakh रुपए रिसीव हुए. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्क्स ऑन द मर्केंटाइल प्रिंसिपल एक्रुअल प्रिंसिपल. दैट मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दोज आइटम्स दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. अमाउंट करंट ईयर का है 2,10,000 तो यहां पे भी आपको कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2,10,000. तो अंडर सब्सक्रिप्शन फीस और मेंबरशिप फीस यू कैन कॉल इट एज यहां पे यू रिकॉर्ड किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट रिसीव 2 lakh एंड प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000 एंड यू वांट टू रिकॉर्ड 2,10,000.
तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रिसीप्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. रिसीप्स एंड पेमेंट वर्क्स ऑन कैश प्रिंसिपल, वेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज वर्क ऑन द एक्रुअल प्रिंसिपल. इट विल रिकॉर्ड ऑल दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. और इनकर्ड इन कैश है दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर रिसीप्स एंड पेमेंट. हाउएवर इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर इट विल बी रिकॉर्डेड इनकम एंड एक्सपेंस. Further, receipts and payment में only cash or bank items will be recorded. Whereas in the case of income and expenditure, even non-cash items will be recorded, such as depreciation on fixed asset. Depreciation on fixed asset is a book entry. In order to show the correct value of an asset, you record a depreciation. So that depreciation has to be recorded under income and expenses. It is not in cash, that's the reason it doesn't come under the receipts and payment. It is a non-cash item, it is just a book entry. So that depreciation will be recorded on the expenses side. Depreciation on fixed asset. जो भी आपके पास fixed assets है that will be recorded on the expenditure side. तो income and expenditure prepare करते वक्त आपको क्या याद रखना है कि पहला जो भी item current year को belong करता है वो आपको यहाँ पे record करना है. यहाँ पे you have to give a proper adjustment for outstanding items. जो current year का outstanding है it will be added. जो current year का prepared है it will be subtracted. Income outstanding will be added. Income received in advance will be subtracted. All those things has to be done under the income and expenditure. Receipts and payment very simple. You have to record all the items which are either received in cash or check or made in payment made in cash or check will be recorded in the receipts and payment. Year कौनसे year का मिला है वो immaterial है. करंट ईयर में मिला है वो आप रिकॉर्ड करेंगे रिसीप्स एंड पेमेंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस पर्टिकुलर आइटम्स दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. 1920 का अकाउंटिंग कर रहे हैं, 1920 के जो भी आइटम्स रहेंगे जो 1920 के वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग एडिट प्रीपेड सब्ट्रैक्टेड इनकम रिसीवेबल एडिट इनकम रिसीव इन एडवांस सब्ट्रैक्टेड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एन इनकम. If income is more than the expenses, it will result in surplus. Similar to net profit of profit and loss account. If expenses are more than the income, it will result in deficit. It will result in deficit. It will be subtracted from capital fund, opening capital. सिमिलर टू नेट लॉस ऑफ नॉर्मल बिजनेसमैन. तो यहां पे सरप्लस अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स इट विल रिजल्ट इन सरप्लस. इफ डेबिट्स आर मोर देन द इनकम इट विल रिजल्ट बैलेंसिंग विल बी ऑन दिस साइड एंड इट विल रिजल्ट इन अ डेफिसिट. सरप्लस विल बी एडेड टू ओपनिंग कैपिटल फंड, डेफिसिट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल फंड. सिमिलर टू नेट प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, नेट लॉस है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जस्ट कॉपी दिस.
Third one is a balance sheet. As on 31st March 20, we are following 2019-20. Balance sheet, this will be called as a closing balance sheet. Liabilities and assets. Here you are going to record, you are going to prepare this balance sheet similar to a normal balance sheet. जो आप normal trader, proprietor के लिए balance sheet बनाते हो उसी तरह यहाँ पे बनाना है. The only difference is here you have opening capital fund. Opening capital fund which either will be given in a problem, and if it is not given, you have to prepare a opening balance sheet or last year closing balance sheet. Last year ka closing balance sheet or current year ka opening balance sheet at the start of the year. जो भी प्रीवियस ईयर के एट द एंड यू हैव क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लाइबिलिटीज यू हैव टू प्रिपेयर दैट. एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लोजिंग कैपिटल एज ऑफ लास्ट ईयर और ओपनिंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर. तो आपको ये पर्टिकुलर बैलेंस शीट जो आप बनाओगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वहां से आपको कैपिटल फंड मिलेगा जो आपको करंट ईयर के बैलेंस शीट में यूज करना है. ये क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर आप जब बनाओगे तो वहां पे पिछले साल के क्लोज में दैट इज 31st मार्च 2019 वी आर प्रिपेयरिंग दिस बैलेंस शीट फॉर 31st मार्च 20 यानी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर का जो भी बैलेंस रहेगा 1st अप्रैल 2019 या फिर 31st मार्च 2019 को जो भी बैलेंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज के है वो आप ये बैलेंस शीट में लेंगे. जैसे कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में वी हैव सीन दैट कि पिछले साल कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं किया था यानी प्रीवियस ईयर इट विल बी आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर द क्लब तो दैट विल बी टेकन ऑन द एसेट साइड ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर. तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर इन ऑर्डर टू असर्टन दिस कैपिटल फंड. और अगर ये ओपनिंग कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया हुआ है तो देन नो नीड टू प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर. तो लायबिलिटीज एंड एसेट्स लायबिलिटी साइड ऑल द कैपिटल आइटम्स दैट इज अ कैपिटल रिसीप्ट्स which you have to record. Certain funds, specific funds agar hai, building fund, that will be recorded over here. Jo bhi aapke capital receipts hai, that will be recorded on liability side. Similarly, if there is any income received in advance, जैसे कि receipts and payment में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने subscription fees advance में pay कर दी current year 40,000, तो that income received in advance will be recorded over here. There are certain expenses which are still payable, outstanding expenses that will be recorded over here. Asset side, all the capital expenditure such as land and building, vehicles, etc. will be recorded. Similarly, if there is subscription fees receivable of current year, कोई subscription fees current year की मिलना बाकी है that is income receivable will be recorded. Similarly, if you have made certain prepaid expenses, that will also be recorded. Then you have a closing cash and bank balance
it will be recorded on the asset side, and both these assets and liability should get tallied. तो बैलेंस शीट में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नॉर्मल मैनर में आप प्रिपेयर करेंगे. तो दिस इज हाउ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग होता है. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इफ रिक्वायर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट. व्हाट इज ट्रिकी, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस इज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम रिसीवेबल income received in advance. It may belong to the previous year, it may belong to the current year. Every adjustment requires twofold effect. So outstanding expenses, prepaid expenses, income received in advance, income receivable, ये चार items जो previous year को belong करते हैं, तो उसका adjustment आपको किस तरीके से twofold effect देना है, या फिर वो current year को belong करते हैं, तो उसका टू वे इफेक्ट किस तरीके से देना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द कमिंग लेक्चर. तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फ्रॉम द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर सेल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जवाहर सर हैज ऑलरेडी गिवन यू दिस बुकलेट which covers n number of questions. 20 questions are classwork questions and remaining are homework. So I want you to carry this particular booklet from the next lecture. All the problems which I am going to solve is from this particular booklet. Now this is all about not for profit organization. Ab ek cheez kya hai, aisi hai ke accounts jo hai aapko Jawahar sir padhate hain और उनका आपके साथ वेब लेंथ है कि अकाउंटिंग में. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग अकाउंट्स फॉर सीए फाउंडेशन. सीए इंटर के लिए मैं अकाउंट्स लेता हूं. तो यहां पे आपको ये देखना है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके ध्यान में नहीं आ रही है, या फिर आपको यही चीज जवाहर सर ने कुछ अलग तरीके से बताया, तो यू आर फ्री टू कॉल मी, फ्री टू कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, और जैसे भी आपको फिजिबल है, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए. आई एम गोइंग टू क्लियर दैट दोज डाउट्स. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. जस्ट कॉपी दिस थिंग्स एंड बाय. फाइन.